घातक उसकी एक खूबी है, गॉडेल का ही जोनाथन। मैं घातक को बहुत वो क्यों बोलता हूँ कि घातक ना, मतलब उसकी एक खूबी है कि घातक अपने चारों बंदे जो है ना उनको एक मुट्ठी की तरह समेट के, मतलब एक जो चारों के दिल में वो बात है ना कि मतलब घातक ने जो बोल दिया वो बात फुल एंड फाइनल है, वो इनके लिए मेरे लिए भी है, बट वो पर्सनल लाइफ में है पता नहीं। और ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कभी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया, ना मैं कभी इनको कभी सलाह दी, बट मैं ये जरूर सलाह देता था कि जैसे अभी एक हफ्ते पहले थोड़ा सा ट्रबल हो रहा था इन लोगों के बीच में, तो मैंने जिसको सलाह देनी चाहिए थी उसको सलाह दी, उसको बोला भाई थोड़ा सीरियस हो जा, थोड़ा चीज़ों की तरफ ध्यान दे, ऐसा पास्ट में बहुत लोग गलतियाँ कर चुके हैं। एंड देर आर 12 मोर गेम्स रिमेनिंग गाइज, ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज्यादा है, बट होपफुली ऑब्वियसली द स्टार प्लेयर शाइन लाइक, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आप गॉडेल का ही एग्जाम्पल ले लो, देर आर 4 प्लेयर्स, जोनाथन इज फार मोस्ट द टॉक्ड अबाउट ऑनेस्टली, बट तीनों प्लेयर्स अगर नहीं उतना अच्छा खेलेंगे या जोनाथन उतना अच्छा नहीं खेलेगा, इट वोंट बी कॉल्ड अ टीम। मतलब सबका एक इक्वल वो है रे, मतलब घातक का मेंटरशिप रहेगा, सब सब कुछ काउंट करता है, छोटी छोटी चीजें काउंट करती है। काउट सीरियस पूरा है, बट कुछ लोग नहीं खेलते ना टीम प्रैक्टिस ना कुछ, भाई अभी क्या बोले, मतलब देखो प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा ही है कि रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रायोरिटी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट। जैगलटॉस डिड द सेम थिंग दैट मावी इज डूइंग राइट नाउ। भाई देखो सबका मैं बोल रहा हूँ ना, सबको मेरा काम है समझाना,